हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। जी दोस्तों, बहुत दिन हो चुके हैं कि किशुन के ऊपर कोई बातें ही नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एक वीडियो बनाई जाए किशुन के ऊपर। देखने की कोशिश करेंगे क्या भाई वायरस किशुन को लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा क्लिप मुझे देखने को मिला है, वो भी शेयर करूंगा उसके साथ में, और भी मजीद बातें करूंगा किशुन के ऊपर। तो उससे पहले कि मैं अपनी किशुन की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि किशुन हो, लवलीन हो, फ्लोकिन हो, कोई भी मीम कॉइन हो, वेल्ट कॉइन हो, वेब थ्री का कॉइन हो, डीफाई कॉइन हो, जो मुझे अच्छा लगता है तो उसके लिए मैं आपके वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आप उन सारी चीज़ों को मिस करें, तो मेरा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है? जी बिल्कुल, आप लोगों ने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी जल्दी जाके ज्वाइन करें। आप कहेंगे भाई हम वो टेलीग्राम का चैनल क्यों ज्वाइन करें, जी बिल्कुल, वहाँ पे मैं एयरड्रॉप्स के रिलेटेड अपडेट्स होती है, गिवअवे के रिलेटेड जो अपडेट्स होती है, बाइनेंस के क्रिप्टो बॉक्सेस के जो कोर्स होते हैं वो भी मैं वहीं पे शेयर करता रहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आपको सारी चीजें मिस करें, तो भाई मेरा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो 601 नंबर पे किशुन रैंक कर रहा है। प्राइसेस की बात करें तो भाई 0.9 10 है, उसके बाद 237081 इसकी करंट प्राइस है, 5.5% डाउन जा चुका है 24 घंटों में। बीटीसी के हिसाब से 2.3% और बीएनबी के इथर के हिसाब से 0.2% ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से 98.65% डाउन जो इसने 15 मई 2021 को बनाया था, ये तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। वैसे हम इस साल की बात करें तो भाई इस साल में तकरीबन 37% डाउन किया है, और 34% 30 दिनों में डाउन किया, और 14 दिनों में 32% डाउन किया, और 7 दिनों में 11 पॉइंट समथिंग जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ गया। तो भाई ये ओवरऑल किशुन की हालत है। इसके साथ अगर फेयर एंड ग्रीडी इंडेक्स को देखा जाए तो भाई मार्केट आज हमें 41 स्कोर के साथ फेयर में देखने को मिल रही है, जो कल भी जो था वो फेयर में थी 46 स्कोर के साथ, लास्ट वीक 50 स्कोर के साथ न्यूट्रल थी, लास्ट मंथ 54 स्कोर के साथ न्यूट्रल थी। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारी मार्केट है वो मूव कर रही है। मार्केट के साथ अगर यहाँ पे हम देखें फेयर, सॉरी हमारा जो बिटकॉइन भाईजान है उसको देखें, तो भाई $24,956 पे बिटकॉइन चल रहा है, 3.5% डाउन जा चुका है। इथेरियम 1642 पे चल रहा है, वो भी तकरीबन 5.5% डाउन है। उसके बाद 235 पे हमारा बीएनपी चल रहा है, 5.5% डाउन है। एक्सआरपी 0.48 पे चल रहा है, वो भी 5.6% डाउन है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें एक फेयरिश कंडीशन में देखने को मिल रही है। फेयरिश कहें क्या बेयरिश कहें, तो भाई इस तरह के हालात है मार्केट की। अब बात करते हैं किशु को लेकर क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हम चेक कर लेते हैं किशुनू का हैंडल। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो एक तो भाई चल रहा है स्टील एक्स के साथ इसकी जो पार्टनरशिप है, जो भाई किशुन अवेलेबल है स्टील एक्स एक्सचेंज पे, आप यहाँ से इसको इजीली जो है परचेस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो गार्डियन की तरफ से भी कहा गया है कि भाई वो भी जो है किशुन वगैरह इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता रहता है। तो वहीं पर अगर मजीद बात करें तो भाई लंडन टेक ओवर इवेंट किशु टेस्ला एंड बिलबोर्ड्स ऑन कैनरी वार्फ वार्स नेक्स्ट। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लंडन में किशुन के जो टेस्ला की गाड़ी दिखाई गई उसके साथ जो है भाई बिलबोर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें लंदन में दिखाई गई है, तो इटमीन कि ये लंदन में जो है वो मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद ये तकरीबन किशुन जो न्यूयॉर्क की में समथिंग टावर में समथिंग दिखाया गया था 2 साल पहले, तो उसकी भी ये वीडियो रिवाइंड कर रहे हैं। तो भाई किशुन की हमने देखा है कि हर जगह जो है मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छे चर्चे वगैरह हमें देखने को मिले। उसके साथ तो भाई किशुन की एक कार्ड गेम है जो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी किशु। तो वहाँ पर बात करते हैं बाइनेंस की, तो भाई किशु टेक्स गुड केयर ऑफ बाइनेंस मर्च है। तो यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से शेयर की गई है किशुन की इमेज। जी बिल्कुल, ये बाइनेंस की मर्ज है, उसके ऊपर जो है किशु खड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई किशुन और बाइनेंस की मर्ज के साथ क्या कर रहा है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि किशुन की तरफ से भी इसको रिट्वीट किया गया। तो भाई ओवरऑल जो है कम्युनिटी काफ़ी एक्साइटेड है कि भाई बाइनेंस ने किशु को क्यों शेयर किया। तो मैं भी चांसेस हूँ कि जिस तरह बाइनेंस ने फ्लोकी को लिस्ट किया है, पीप को लिस्ट किया है, तो हो सकता है वो किशु को भी लिस्ट करें। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं किशुन के बारे में। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।